और राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के नए सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। मोहन यादव के नाम पर संगठन और विधायक दल की बैठक ने मोहर लगाई है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान, मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, मोहन यादव बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। और बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, आपको बता दें कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव, जिनके नाम पर मोहर लगी है। और इस राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मोहन यादव। और मोहन यादव 2013 में पहली दफा विधायक बनी, इसके अलावा 2018 में दूसरी बार विधायक बनाए गए। और शिवराज सिंह की जगह मोहन यादव होंगे नए सीएम मुख्यमंत्री, तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। और नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर, दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम होंगे, राजेंद्र शुक्ला भी डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे। तो भोपाल के बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी है। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव और अब मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। 2013 में पहली बार विधायक बने, 2018 में दूसरी बार विधायक बने, 2023 में तीसरी बार विधायक बनकर अब मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन यादव। और स्पीकर के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आया, डिप्टी सीएम के तौर पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, दो नामों पर डिप्टी सीएम के लिए मोहर लगी है। बता दें कि राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, जबकि मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से जगदीश देवड़ा विधायक हैं, एससी समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से। और मोहन यादव बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुने गए हैं। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव, जिनके नाम पर सीएम के नाम पर मोहर लगी है। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव और अब मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। और जगदीश देवड़ा, जो शिवराज सरकार में वित्त मंत्री रहे, अब डिप्टी सीएम होंगे। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से आते हैं। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश में पहली बार दो डिप्टी सीएम होंगे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नए सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है, बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। आपको बता दें जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी है संगठन की और विधायक दल की, विधायक दल के नेता चुने गए हैं मोहन यादव। इसके अलावा दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, पहली बार है जब मध्य प्रदेश में दो डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं।